लैला मजनू, ये तो रियलिटी है, वो बड़ा किस्सा मशहूर है ना। और खान सर क्या कहते हैं, सच्चा प्यार नहीं मिलता तो इस चक्रों में ना पढ़ो। वैसे टीचर बहुत अच्छे हैं। सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग, उम्मीद है आप लोग सही सलामत होंगे। तो आपका स्वागत है वर्ल्ड रिएक्शन इंडिया में। सो गाइस, आज जिस वीडियो का हम मिक्स रिएक्शन आपके लिए लेकर आए हैं वो खान सर की वीडियो है, जिसमें उन्होंने अपने फनी अंदाज में बताया है कि लैला और मजनू कहाँ के थे और लैला और मजनू को लैला और मजनू क्यों बुलाया जाता था। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऑल रिएक्शन चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं देखिएगा ना, लड़की सब नौटंकी करती है। सर तुमने मुझे धोखा दिया, जाओ मैं अपना नस काट लूंगी। ससुरी घुसी आती है, सर तो नसवा काट लेती है। सर ये बकलोलिया, ऊपर वाला सिरा काहे काट रही है, कचकचा के काटना एकदम धमनी, तब समझ में आएगा। आपको कोई अगर ब्लैकमेल करे ना, जब मैं हाथ काट लूंगी, ससुरी को कहिएगा ना, तो ससुरी धमनी काट, धमनी ये वाला धमनी काट, नहीं काटेगी, बहुत होशियार होती है सुर सब। तो आपको कोई इस तरह से उलझाए तो उलझिएगा नहीं, किसी को लाइफ में मनाइएगा मत। एक बार मना दिए ना, जिंदगी भर मनाना पड़ेगा, नहीं तो हर दो मिनट पर उठेंगे लोग, हाँ हम खाना नहीं खाएंगे, छोड़ दीजिएगा भूखले। आप कितना दिन कोई भूखे रहेगा, जब खाना खाने जाए तो टोक दीजिए, हे तुम तो गुस्सा थी, बोली थी कि खाना नहीं खाएंगे, मत खा मत खा। ससुरी को 15 दिन तक ऐसे भूखे टटा दीजिएगा, देखिएगा जिंदगी भर कब वो ही नहीं बोलेगी कि हम खाना नहीं खाएंगे। जब जब याद आएगा कि ससुरा बहुत जल्ला आदमी है, 15 दिन भूखले छोड़ दिया था। अब देखिए स्टार प्लस के भयानक, उनको भी पता है कि महिलाएं देखती है तो प्रचार देगा। ये देखिए फेरा लग गई, मात्र 4 हफ्ते में चमगादड़ से परी बन जाइए तुरंत। उदी अरब का नाम एगो लड़की थी, उसका नाम था लैला, और यमन का एक लड़का था जिसका नाम था कैस। यमन का एक लड़का था नाम था, जिसका नाम क्या था, कैस। यहाँ पे लड़का का नाम था कैस और यहाँ एगो लड़की थी जिसका नाम था लैला। आई दोनों एक के बॉर्डर के पास के रहने वाले थे सर, दोनों में चक्कर चल गया। लैला फंस गई किससे, कैस से फंस गई लैला, समझे। तो गाँव में हल्ला हो गया और सऊदी अरब में कि लैला फंसल है वो कैस से, और कैस मिलने चल जाता था बार बार लैला से, आईयो इन्हें चलाती थी। तो एक बार सऊदी अरब वाला ना ये कैस को पकड़ के बड़ी मार मारा सब, ससुरा का हाथ गोड़ तोड़ दिया सब, यहाँ पे एकदम मुंह हाथ फोड़ दिया सब एकदम बेचारा। अब कैस आया यहाँ पे, हल्दी चूल्हा छापा गया उसको, यहाँ पे आराम किया, हल्दी दूध पिया, फिर तनसा सही हुआ, फिर चल गया उससे मिलने लैला से, फिर बड़ी बांस मारा सब, बांस से मारा सब, उसका हड्डी उड्डी तोड़ दिया सब कैस का। कैस एकदम परेशान था, कहता कि हम लैला के बिना नहीं रह सकते हैं। लैला कह रही है कि हम कैस के बिना नहीं रह सकते। देखिए जब भी लव होता है ना, लड़कियां नहीं पिटाती हैं सर, लड़की भी जहाँ तहाँ पिटाता है लड़की उड़की के मैटर पे, इसलिए बहुत कम रहिएगा लड़की के मैटर में, वरना पिटाना एकदम फिक्स है, समझ लीजिएगा यहाँ पर। तो कैस जो था वो बार बार जाता था किससे मिलने, लैला से मिलने। सऊदी वाले पीट पीट के थक गए से, कैसे कि दोस्त नहीं चट्टा मानिए नहीं रहा है, कितना मारिएगा। और रियलिटी में यार मारने की भी एक सीमा होती है, मारिएगा तो अभी माया लगेगा कि नहीं लगेगा, कि बेचारा उसके प्यार में पागल है, पिटा रहा है। तो सबने ना कैस को ना पागल घोषित कर दिया, कहा कि पागल है पागल। ये ससुर इधर से समुन्द्रवा में से तैर के चल जाता था इधर मिलने के लिए, ये होता है प्यार का नशा यहाँ पर, यहाँ पे चल गया यहाँ पर, समझाया। तो ये जाता था सब इसको कहने से, पागल पागल है पागल है पागल है पागल है, तो सब कैस को क्या बोलने लगे सर, पागल। कैस का नाम क्या हो गया, पागल हो गया सब, पगला पगला पगला। कैस जाता था पगला पगला पगला, वो बेचारा फटल चिटल कपड़ा पहन के चल जाता था मिलने। तो बबुआ पगला जो शब्द है वो हिंदी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा में पागल को मजनू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मजनू कहा जाता है। तो ससुरा कैस का नाम हो गया मजनू, और ये कहानी प्रसिद्ध हो गई लैला मजनू। क्या हो गया, लैला मजनू। इतिहास गवाह है, सच्चा प्यार मिल ही नहीं सकता है, समझ गए कि नहीं। अरे कृष्ण और राधा का प्रेम अधूरा रह गया तो इंसान को नहीं डेगची का मसाला है, समझ गए कि नहीं। लेकिन सच्चा प्यार, अरे सच्चा प्यार केवल लाभ खिलवाता है। आपकी नौकरी हो जाएगी तो समझिए सब कुछ सही है, नौकरी नहीं होगा तो ऐसे ही पिटाते रहिएगा एन्ने उन्ने में, समझा कि नहीं। बहुत लात खाइएगा, समझा कि नहीं। स्टोरी सच की है कि झूठ की, अरे बकलोलवा सच्चे ना है रे,
आपको इसे झूठ के कहा से, अभी तो झूठ नहीं लग रहा, इस इंसान के पास तो हृदय नाम की चीज नहीं है, इसको अभी भी लैला मजनू झूठ लग रहा है, हद है भाई। इसलिए हम नहीं रहते हैं इस सब चक्कर में, बार बार शंकर शाह जी नहीं रहते हैं कि नहीं रहते हैं कि कोई पूछ ना रही है आपको। शंकर साहू जी कर हम इसी चक्कर में नहीं रहते। अरे अगर किसी लड़का को लड़की पसंद नहीं आती है तो बहुत गड़बड़ है भाई, उसको डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। तो गड़बड़ है, लेकिन कंट्रोल करके रखना चाहिए। पढ़ाई लिखाई सबसे जरूरी, अगर नौकरी नहीं होगा ना तो लड़की का ब्याह हो जाएगा, कोई नहीं पूछने वाला है आपको। लड़की नौकरी नहीं होगा ना तो लड़की क्या करेगी, उसके लिए कोई नौकरी वाला लड़का आएगा, ब्याह होकर चल जाएगी, आप उसके ब्याह में कुर्सी सीधा करिएगा कि मोहल्ले का बारात आई है, कुर्सी सीधा करे और चल जाएगी, आपके सामने देखबो नहीं करेगी। और 2 साल के बाद एगो बच्चा लेके आएगी, कहेगी कि बाबू बाबू मामा कहो मामा, अपने बचवा से आपको मामा कहवाएगी, बचा हुआ उम्मीद भी तोड़ देगी, समझ आएगा कि नहीं आएगा। और नौकरी हो गया ना तो टेंशन फ्री, अगर आपकी नौकरी हो गई पूरा अच्छा से, पीसीएस अधिकारी हो गए, एसडीएम बीपीएससी वगैरह निकालिए, पीसीएस स्टेट एग्जाम यूपी पीसीएस हर जगह के लगा, पीसीएस दरोगा और बड़ा पोस्ट पे जाइए, मस्त लाल बत्ती की गाड़ी से उतर के तब लाइन मारिए, तो लड़की का बाप भी देखेगा तो कहेगा अरे छोड़ दे भाई, ये ऐसा दमाद तो ससुरा सपना में ना मिलते, अब बेरोजगार होके जाएंगे लाइन मारेंगे ना तो बड़ी मार मारेंगे सब, लड़की का बाप मारेगा, लड़की का भाई मारेगा, लड़की का पहलका वाला मारेगा, सब मारेंगे सब वहां पर। लड़की कुछ नहीं होती है, लड़की का 4 गो बॉयफ्रेंड है, चारों को पीटेंगे तो चारों में कहेंगे ओ माय गॉड मत पीटो, अरे ससुरा सबनी को पिटवाएगी वहां पे, इस सब चक्कर में मत पड़िएगा यार। सब कौन कहता है पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता, बस दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए। पाकिस्तानी इस वीडियो को क्यों ना देखें, तो भैया आप देख लीजिए यहाँ क्यों ना देखें, क्योंकि हम आज चर्चा करने वाले हैं इसकी, और इसका नक्शा किससे मैच करता है आप देख रहे हैं, इफ यू डोंट बिलीव देन गो ऑन गूगल। जय हिंद। आज समझते हैं हम लोग 1962 के जो इंडो चाइना वार, जिसे इंडो साइनो वार कहा जाता है, उसमें भारत ने क्या क्या गलतियां की थी। देखिए जिस तरह से इंडिया को इंडियंस, इंडिया के रहने वाले को इंडियंस कहते हैं, आयरलैंड के रहने वाले को आयरिश कहते हैं, पाकिस्तान वाले को आतंकवादी कहते हैं। Hey, how come look at this? एक से दूसरा जुड़ा रहता है। आप यहाँ देखिए एक लंबी गैलरी दिखेगी, आप गैलरी देखिए, आप इधर इसको टाइम ध्यान से देख रहे हैं, आप इधर मत देखिए, ये लंबी गैलरी देखिए। लिक्विड की आपकी खासियत बताएं, इसमें खिंचाव बल काम करेगा जो क्षेत्रफल को कम से कम करना चाहेगा, चिपका देगा, जिस वजह से महिलाओं को पता है कि इनका बाल चिपक जाएगा तो फिर लहराएगा कैसे, तो क्या करती हैं सही सब। आगे जैसे भाभी जी को देखिए, पूरा झोंझे बाल आगे गिरा दिए, एगो गमछा लेके फटाफट ऐसे मारेंगे सब, पूरा पानी क्या करेंगे 80% पानी निकाल देगी सब। अब कहेंगे हाँ अब है फिजिक्स का नहीं, इनको फिजिक्स नहीं पता है कि सरफेस टेंशन की वजह से वो चिपक रहा था, वो पृष्ठ तनाव की वजह से चिपक रहा था, क्योंकि पानी अपने एरिया को कम करना चाहता है और बाल पे पानी लगा है, इसलिए पानी एरिया कम करेगा तो बाल को भी सटा देता है और बाल फंसने लगता है इन लोग का। अब इसीलिए कहते हैं, फिर कहती है सर अभी भी नहीं लहराएगा, लहराने के लिए पूरा पानी सुखाना पड़ेगा, तो ऐसे ना जूड़ा बांध देंगे सर, इसे तौलिया का लेके देखिए, पीटने के लिए गमछा पतर का और इसको मोड़ने के लिए खूब अच्छा तौलिया गदगदुआ, आधा घंटा इसे तौलिया मारने के बाद उसके बाद खोलने के बाद लहराएगा, समझ आएगा कि नहीं। तो ये देहात की महिला करती है सर, जो CBSE बोर्ड की महिलाएं रहती है ना वो एक ड्रायर रख ले रहती है सर, देखिए भोपू टाइप का है ना ड्रायर, बलवा खोल के इसे धुआं मार के होके सुखा देती है, CBSE बोर्ड वाली होती है सर। और तुम लोग ससुर लड़की को देख ना, अरे बकलोल कहीं का कितना समझाए तुम लोगों को, लड़की सबको देखिएगा तुम सब हर अलग अलग डिजाइन का बाल झाड़ने का होता है, लड़कों का जीवन क्या है एक के हेयर स्टाइल पे जिंदगी बीत जाता है, उनके लिए अलग, स्कूल के लिए अलग, कोचिंग के लिए अलग, मार्केट के लिए अलग, और पूरा बाल झाड़ने के बाद लड़की सब एक बाल ऐसे यहाँ से नीचवा ऐसे गिरा देगी सब, और उसको 24 घंटा ऐसे सीधा करते रहेंगे सब। यहाँ पे इस सब पे मत चाहिएगा, मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। हम आपको कल भी बताए थे अगर बाज की तरह उड़ान भरना है तो इन तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा, आप सब इधर ध्यान देता है, एग्जाम्पल दूसरा देता
अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करके नौकरी उकरी लीजिए लोग, और नहीं नौकरी वगैरह नहीं हुआ ना तो घर वाला क्या करेगा, तो पैसे ही बूढ़ सूर को थमा के भेज देगा, ले जाओ जो बनती है आलिया उसी को मिल जाता है कालिया। इसलिए ज्यादा मेकअप वेकअप पे ध्यान नहीं दीजिएगा, इनकी ठोड़ और बन के घूमने लगी है कोरोना के बीच में। पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई वगैरह करिएगा तब ना आपको अच्छा घर द्वार मिलेगा, नहीं तो ऐसे थमा देगा किसी को घर वाला, कोई सरकारी नौकरी लेके आएगा कैसनो रहेगा एकदम करिया भूचेंगे लेके चल जाएगा। इसलिए सब लोग भाई पढ़ाई ना, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना एक ट्रेंड चल गया अजब हाल है भाई साहब। एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, मेरे पैसे से अगर आप मोबाइल खरीद लीजिएगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स के हिसाब से उस मोबाइल पर अधिकार किसका होगा, मेरा होगा क्योंकि पैसा मेरा है। तो आप सोचिए आप बाप के पैसा से अगर लड़की पटाएंगे तो लड़की किसकी होगी इकोनॉमिक्स के हिसाब से। कौस्तव पात्रा सर सीबीएसई वाला हूँ, बेइज्जती मत कीजिए। बेवकूफ कह क्या सब सीबीएसई वाला हमारा बेइज्जती करके हमको सीबीएसई से भगा दिया था। हम सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते थे, अकेले उसमें काला थे, सब हमको कालिया कालिया बोलता था सर। और सीबीएसई वाला सब गोरा गोरा होता है, सब चाय बिस्कुट खा के बड़ा हुआ है सब, हम लोग तो रोटी चावल खाने वाले लोग काला हो गए लोग। सुबह सुबह चाय गोरा था सर, हमको काला काला बोलता था। हम कहीं बाहर में जाए सीबीएसई बोर्ड, हम सीबीएसई छोड़ दिए, हिंदी मीडियम में चले हैं। हमको सबसे ज्यादा बेइज्जती किया है सीबीएसई बोर्ड वाला, हम काला है तो क्या हुआ, दिल वाला है, सब बोलता था कालिया कहीं का सीबीएसई में आ गया। चलो सागर कुमार कह रहे हैं कि सर मेरे मैप में फिलिस्तीन नहीं है, कहीं इजराइल उड़ा तो नहीं दिया। नहीं बाबू अभी है नहीं लदी है बाबू, इधर मिस्र में दिखेगा आपको। अरे पकड़ लो, कौन कर रहा है राहुल सिंह, बिटबो करेंगे, काश आपकी शादी सीबीएसई बोर्ड की लड़की से हो जाए, पगला जाएंगे हम, ना करेंगे हम सीबीएसई वालों से मेरा थोड़ा भी नहीं जमता है करा सीबीएसई वाला माता लड़ा लेंगे हम सुबह उठते मोमोज खाएंगे, मोमोज बर्गर ये, अरे भाई इसे हम लोग से होगा ही नहीं यहाँ पे। हो माई गॉड दुकुन जुकुन क्रैचअप ये सब दुका दुका खाता है, घास फूस कुछ खा जाता है सब दुका, सुबह उठते टोस्ट गर्म करेंगे। अरे हम लोग कौन चीज, रात में चावल बच गया भूज के खा जाओ, रोटी बच गया तवा पे तल के चाय से खा जाओ। तो हिंदी मीडियम वाला लो भाई हमारा कहता है सीबीएसई वाला से ब्याह हो जाए, पिटबो करेंगे हम। प्यार व्यार धोखा है, पढ़ लो बेटा मौका है, मेरी वाली सीबीएसई बोर्ड की, लेकिन मैं उसको हिंदी वाली सीबीएसई बोर्ड वाली सचुरा से दिन रात गिफ्ट मांगती होगी जब आले हम गए थे उसमें क्या नाम है, अभी तबीयत ठीक नहीं था तो दिल्ली गए हुए थे थोड़ा एम्स में। तो एगो लड़का था वो फोन पे बतिया रहा था, तो सुनाई नहीं देता है, हम लोग खाना खाने बैठे थे तो ओकरी वाली करिए कि हमरा डंकी डोनट चाहिए, डंकी डोनट। हम कहीं सोच रहे गधा के मीट मांग रही है कैसे डंकी डोनट, हम कहीं कौन सी खरीद रहा है देखे। वो सोच रहे को ये तो जलेबी टाइप का था, कुछ खरीद के लेके चल गया अपनी वाली के लिए, तभी हम समझे कि पक्का ही सीबीएसई वाली है। अरे तो कौन सी खा रही थी, गोल टाइप का था, अगर ये डंकी डोनट हमारा लगा गधा का मीट खाएगी तब समझ में आने डंकी डोनट कुछ दूसरा चीज होता है। अगर पढ़ा लिखा आदमी रहेगा ना, खूब पहुंच वाला रहेगा, बूढ़ो रहेगा तो शादी कर लेती है सर, क्योंकि सब होशियार होती है सर, जानती है सर कि एक तो इसका इनकम है, दूसरा इसके पास दिन कम है, कम है दिन में मर जाएगा, फिर दूसरा खोज लेंगे, पहलका वाले से कह देंगे आ जाओ। समझ में आ रही नहीं आ रहा, किसी कोई दिक्कत, आगे देखिए। एशिया कंप्लीट होने दो, फिर समझाएंगे। रजत सिंह है, एशिया किन किन देशों से अलग होता है और एशिया यूरोप में कौन सागर अलग करता है। वो एशिया कंप्लीट हो गया कि लगे कूदने, आगे समझते हैं। ये बोलता है मेरी वाली अनपढ़ रे बकलोल, कहीं कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को, वाह वाह बम का जमाना है उड़ा दो साले को अरे पहले की लड़की बोलते थी सब कोई पत्थर से ना, आज की लड़की क्या बोलती है, आया बाहर है जिया बेकरार है, आजा मोरे बलवान है तो दूसरा तैयार है। बकलोल कहीं कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। मोटिवेट करने की कोशिश करें लड़कों को कि लड़कियों के चक्करों में ना पड़ो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान करो। ऐसे लगता है काफी प्रॉब्लमें आ रही है, लड़के जो हैं पढ़ाई पे ध्यान कम दे रहे हैं, लड़कियों और गर्लफ्रेंडों पे ज्यादा ध्यान देने लग गए हैं, तो इसलिए उनको मोटिवेट कर रहे हैं और वार्निंग ये देते जा रहे हैं कि भाई लड़कियों के पीछे भागोगे तो जैसी तुम्हें नौकरी तो मिलेगी नहीं, क्योंकि पढ़ाई तो तुमने की नहीं है। तो वो लड़की जो है, जब घर वाले जो है अच्छा कोई देखेंगे लड़का अच्छी नौकरी वाला,
तो वो तो शादी करके निकल जाएगी, तुम बैठे रह जाओगे। तो काफी मजाकिया किस्म से बोला था इन्होंने कई चीजों को, और मतलब अच्छा है कि वार्निंग दे रहे हैं हंसी मजाक में कि बच्चों को कि भैया ध्यान रखो, पढ़ाई करो। लड़कियों को भी बोल रहे हैं कि तुम भी पढ़ाई करो, नहीं तो कोई भी छोटी मोटी नौकरी वाले के साथ तुम्हारे पेरेंट्स शादी कर देंगे, अच्छी की होगी तो तुमको फिर मिलेगा भी कोई अच्छा ही हस्बैंड। तो वो काफी मजेदार था, पर ये मुझे इनका समझ नहीं आया कि मेरे से सीबी किसका बोल रहे थे, सीबीएसई में कुछ पंगा इनके साथ हुआ लगता है। सीबीएसई में इंग्लिश मीडियम कुछ पढ़ाने का तरीका बहुत ही अलग है। मतलब ये खान सर जो है ना, ये चलती फिरती यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल, मतलब किसी भी टॉपिक में चले जाओ बस उसमें वो एक खतरनाक। अरे यार जबरदस्त, लेकिन एग्जांपल्स भी कितने प्रॉपर सेट करके दिए उन्होंने। सो गाइस, आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, और अगर आप किसी वीडियो का मिक्स रिएक्शन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस वीडियो का मिक्स रिएक्शन आपके लिए लेकर आऊंगा। और जाने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो में।